वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हुआ था और कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने निफ्टी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला ट्रेड बना हुआ था गाइस, वो मॉर्निंग में ही बन गया था, जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। और ये मैंने अपने इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ था, मार्केट एनालिसिस वीडियो में, कि यहाँ पर एक इसका एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पे और रेजिस्टेंस था, जो इसको ही ब्रेक किया मॉर्निंग में और एक अच्छा अप मूव यहाँ पे दिया है। रीज़न ये था गाइज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे एक बार अपना रेजिस्टेंस ले चुका था और यहाँ पे सेकंड टाइम भी इसने एक बार इसे टेस्ट कर चुका था। और यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया था लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो रजिस्टेंस था, एक ये इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस था इसके लिए, और इसीलिए इस रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने मॉर्निंग में ब्रेक किया है, एक अच्छा खासा यहाँ पे साफ अप मूव देखने को मिला है गाइज यहाँ पे। तो एक ट्रेड यहाँ पे बना था और बाकी फिर ओवरऑल देखेंगे गाइज, यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था। एक यहाँ पे मोमेंटम बन रहा था, जो कि जैसे ही इस सपोर्ट को इसने जैसे ब्रेक किया, यहाँ पर एक पोजिशन बना के इस रजिस्टेंस तक यहाँ पर पॉइंट कैप्चर किया जा सकता था। अभी इसको सबसे पहले ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं और इसको फिर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर गाइस अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज था। सुबह में इसने एक मूवमेंट दिया हुआ था लेकिन उसके बाद एक साइडवेज रेंज में कहीं ना कहीं इसने आप क्लोजिंग किया हुआ है गाइस। तो ये एक अच्छा था आज के दिन, जो इसने एक साइडवेज यहाँ पे रहा। अब कल के दिन मार्केट एक तो एक्सपायरी है गाइस, तो हो सकता है कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक्सपायरी के लिए जो गाइस रहेगा हमारे पास लेवल्स, वो लेवल्स रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ इसमें, इम्पोर्टेंस लेवल्स यहाँ पे देखेंगे गाइस। तो एक ये इम्पोर्टेंस लेवल सर रहेगा हमारे लिए, जहाँ से इसने अपने आप को काफ़ी बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके एक डाउन साइड में मूव किया हुआ है। ये जैसे ही अगर मॉर्निंग में इसे ब्रेक करता है इस लेवल को, ये लेवल जो है गाइस 17,892 का लेवल है, अगर गाइस इसको इसने ब्रेक करता है तो यहाँ से एक साफ अप मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो 17,897। इसको राउंड लेवल अगर हम लोग यहाँ पे 17,900 का अगर यहाँ पे लेवल मान लेते हैं, और सुबह के समय ये जैसे अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके, तो एक अच्छा हम लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाइंग के साइड में। और अगर नीचे के साइड में बात करें सेलिंग के साइड में गाइज, तो सेलिंग के लिए गाइज एक ये हमारे लिए मेन सपोर्ट रहेगा यहाँ पर, जो कि मार्केट यहाँ से एक साफ अप मूव किया है। और एक अगर शॉर्ट लेवल यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये रहेगा गाइज शॉर्ट लेवल जो है 17,848 का गाइस। अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे ये फॉल करता है तो एक हम लोग को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए गाइस। अगर इसको मैं 5 मिनट कैंडल में वॉच कर रहा हूँ, तो इसको 15 मिनट कैंडल में वॉच कर लेते हैं, तो 15 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो ये जो मैंने लेवल अभी सेट किया है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम किया है। और ऊपर के लिए आप देखेंगे तो एक यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है गाइस, जो एक काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो अगर मैं इसको और एक यहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हैं, जो एक राउंड लेवल भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं यहाँ तक गाइस, ये दो रहेगा टारगेट जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। और सपोर्ट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा गाइस, जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ भी मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को एक सपोर्ट लेवल किया था, और यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया है डाउन साइड, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था गाइस। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट के जैसे यहाँ पर काम कर सकता है। अब देख लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था यहाँ पे, अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो। और इसको 15 मिनट कैंडल में भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो सुबह के समय जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था गाइस, वो कहीं यहाँ पे ओपन हुआ था, यानी ये 7 का है, अगर हम लोग यहाँ पे 8 का देख रहे हैं तो
यहाँ पे गाइस ने कहीं ना कहीं ओपन किया था, और देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में ही था यहाँ पे गाइस। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक साइडवेज रेंज में चला गया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी। और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी समय तक एक इसने अपने आप को बॉक्स पैटर्न पे यहाँ पे रखा हुआ गाइस। और ये कल के एक्सपायरी के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर कल किसी भी साइड एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकता है गाइस। तो मैं यहाँ पे अगर लेवल मार्क करता हूँ तो जो लेवल है गाइस वो हम लेवल देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है यहाँ पे गाइस। अगर यहाँ पे 41,700 को अगर ब्रेक करता है, 713 को लेवल को, तो एक अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में। और नीचे के लिए जो लेवल है वो गाइस ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी बार काफ़ी टाइम यहाँ पे होल्ड किया हुआ देख रहे हैं, और यहीं पर क्लोज भी किया। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसने भी काफ़ी ट्रैवल किया और इस लेवल को जैसे ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक का दिखाया था, और यहाँ से फिर एक साफ अप मूव आया है। तो कहीं ना कहीं ये कि यहाँ तक का हम लोग अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये तक यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और अगर इस लेवल को इसने ब्रेक करता है तो एक बड़ा टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो एक गिरावट आपको 40,650 तक का भी लेवल दिखा सकता है गाइस। तो ये हो गया गाइस, ये लेवल था इसमें बात करें तो बैंक निफ्टी की, और इसका जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे राउंड लेवल जो है 42,000 का रहेगा गाइस। और नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे के लेवल का एक पहला तो ये टारगेट रहेगा अगर इसे ब्रेक करता है तो, और दूसरा टारगेट हम लोग इसमें बना सकते हैं ये एक जहाँ पे इसने अपने आप को होल्ड किया था गाइस। तो ये कल के लिए रहेगा एक राउंड, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं कल के लिए, कल ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी हो सकता है, और 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल कहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है तो। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइड वेज था, और एंड मोमेंट पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसने एक अपने रेंज का ब्रेक डाउन किया था। तो अब देखते हैं कल के लिए, क्योंकि अभी भी ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ही कहीं ना कहीं अभी अपने आप को रजिस्ट कर रहा है। तो ये जो इसका अभी रेजिस्टेंस है गाइस आप देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट फॉल हुआ है यहाँ से काफ़ी बार अपने आप को रजिस्ट किया है। रीजन नहीं गाइस, यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने एक अपना रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। तो कल के लिए क्या हम लोग देख सकते हैं लेवल कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल ये रहेगा अपने लिए गाइस, ये लेवल। इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए जो है 18,516 का लेवल है गाइस। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तब हम कहीं ना कहीं एक बैंक का मूवमेंट बना सकते हैं, और 1:2 का रेशियो रख के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और नीचे के लिए लेवल की बात करते हैं गाइस, तो नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर देखेंगे तो एक तरह से ये सपोर्ट है गाइस। अगर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग करता है फ्लैट ओपन होकर मार्केट, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो फर्स्ट टारगेट हम लोग अपना इस लेवल को रखेंगे, और देन सेकंड यहाँ पे टारगेट आपका ये बन सकता है गाइस अगर इसको कहीं ना कहीं ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो। और अपसाइड में हम लोग यहाँ तक का अपना टारगेट ले सकते हैं गाइस, ये है अपना 18,650 का गाइस राउंड लेवल है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए गाइस। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, थैंक यू।